के साथ हूँ मैं ज़ोएल स्पिजन लॉफ्ट। हाउ आर यू ज़ोएल भाई? फाइन। बहुत लंबे अरसे के बाद क्यों ऐसे आपने छोड़ दिया था क्या काम? नहीं, काम नहीं छोड़ा था, आपको ही टाइम नहीं था और फिर मेरे भी कुछ मसरूफियात थे, मैं भी बाहर था थोड़ा, तो उस हिसाब से नहीं आ पाए। तो अभी किस चीज़ में? अभी डॉग्स में हो कि? डॉग्स तो अपना चालू ही है और कबूतर का भी चालू है, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, छोटा काम चालू है। ओके, फैंसी में ही? हाँ, सिर्फ फैंसी। हाई फ्लायर्स में कभी आया कुछ अच्छा, किसी को चाहिए रहेगा पेड ऑर्डर पे तो लेकर आके दे देते। ठीक है, पुरानी वीडियोस मैं डिलीट किया क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है यूट्यूब की कि भाई हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कभी कभी क्या कबूतर फड़फड़ाते हैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में, ऐसा लगता है पर फड़फड़ा रहे हैं, वो थोड़ा जुल्म लगता है कबूतरों पर। तो दूरी रख के बताइए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। यस यस। ठीक है, हाउ हैज द मार्केट चेंज इन द लास्ट वन ईयर? प्राइसेस कम डाउन और गॉन अप? प्राइसेस नीचे आए थे लेकिन अभी प्रॉपर है, क्योंकि क्या बारिश में ज़्यादा लोग नहीं पालते कबूतर, तो उस टाइम पे प्राइसेस कम होते, बीमारी का जड़ रहता है उस टाइम पे। अभी ठंडी है, ये मतलब ये पीक है सेलिंग का, क्योंकि इसमें हर जानवर, इंसान भी खिल जाते हैं ठंडी में, तो उसमें। ज़ोएल भाई, पहले आप तो यू आर दी ओनली पर्सन इन दी एरिया सेलिंग, है ना, या बॉम्बे में बहुत कम लोगों में से यूट्यूब पे। नाउ देयर सो मच ऑफ मार्क, यू नो, सो मेनी, शॉकिंग भी जो है वो सेलर बन गया, ऐसा हो गया अभी बकरों में भी, कबूतरों में भी, हर एक चीज। बकरे तो हर गली में दिख रहे, कबूतर भी हर गली में, बेचने वाले भी हर एक गली में है। सो हाउ डज द कॉम्पिटिशन अफेक्ट यू और योर वर्क? नहीं, जिसको पता है, जिसके पास क्वालिटी मिलेगी, देखो पब्लिक भी पागल नहीं है, जिनको जो चीज़ चाहिए रहती है, जिनके पास क्वालिटी रहेगी वो वहाँ से लेंगे, और सस्ते दाम में जिसको मिलेगा जहाँ वो वहीं से लेगा। अभी सस्ते बोलेंगे तो एकदम सस्ता नहीं, प्रॉपर एवरेज। अभी आप बोलोगे सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है तो या तो उसमें कोई नुक्स है या तो कुछ और हो सकता है। लेकिन पब्लिक के पास ऑप्शंस बहुत है ना, दे ऑप्शंस है, लेकिन फैंसी का काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि फैंसी में रिस्क भी उतना है। अभी हाई फ्लायर्स में आप 100 कबूतर लाओगे तो शायद 5 या 10 मरेंगे, 90 तो आपके बच रहे, लेकिन फैंसी में ऐसा है कि अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है कैसा रखना है नया कबूतर ला के, तो आपका 50% चांस है कि आपका कबूतर मर सकता है बाहर से जब आता है तब ट्रैवलिंग में। अभी नाउ डिलीवरी इज ऑल अक्रॉस इंडिया? ज़ोएल भाई, ऑल अक्रॉस इंडिया, जहाँ तक ट्रेन्स, फ्लाइट्स और बसेस जाते हैं। और पेमेंट एडवांस में देना पड़ेगा लोगों को? जी, पूरा नो कैश ऑन डिलीवरी। नो कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर फैंसी पिजन्स। और शुरुआत करते हैं हम फैंटेल से। जी, फैंटेल, इंडियन फैंटेल। ओके, दिस केज इज ओनली फॉर शूटिंग पर्पस, वी डोंट कीप इट इन सच अ स्मॉल केज। ज़ोएल भाई खोलोगे? इनको वहाँ पे करो। हाँ, बताइए ज़ोएल भाई कौन से है, इंडियन है, अमेरिकन है? ये इंडियन फैंटेल है, इनकी साइज माशाल्लाह बहुत बड़ी है इंडियन फैंटेल के हिसाब से। और क्या क्वालिटीज होती है इंडियन फैंटेल में, बिकॉज इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग व्हाट इज इंडियन फैंटेल में। देखो लक्खा मारेगा, जैसे गर्दन हिलाता है वो है, बूट्स रहेंगे और बूट्स रहेंगे, और जो पीछे का टेल है वो सीधा खड़ा रहेगा। जैसे ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडियन फैंटेल की क्वालिटी है, ये जो जैसे खड़ा है। और जो अमेरिकन रहेगा उसकी जो दुम है ना, वो जितना भी सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि वो जाली से दिखता नहीं है। आप थोड़ा आगे हो जाने तो वो नहीं, इट्स ज़ूम लेंस ना, सो आई कैन नॉट। जी, तो दिस इज इंडियन जी, क्योंकि पर जो है पर वो जो पूरा पीछे के टेल के वो आगे आ जाते हैं। ओके, और जो अमेरिकन रहेगा वो ऐसे छोड़ेगा, देखो पर ऐसा, और उसका लेंथ भी ज्यादा रहेगा। ओके, और उसका साइज ज्यादा बड़ी है। कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है ज़ोएल भाई? 100% ब्रीडिंग पेयर। ओके, एंड हाउ मच आर वी आस्किंग फॉर दिस वन? ये 3500 का पेयर है, और अगर कोई साथ में लेता है सारे फैंटेल्स, अभी हम लोग ये पूरा लॉट दिखाने वाले फैंटेल का, तो सब अडल्ट है और सब बड़े साइज के कबूतर है, तो अगर कोई एक साथ लेता है तो हम लोग 3000 के हिसाब से दे देंगे। एंड व्हाट विल बी द डिलीवरी चार्ज? डिपेंड्स ऑन द एरिया। अभी अगर हम मुंबई में भेज रहे तो 300, 400, 500 जो जैसा जितना डिस्टेंस है उसके ऊपर है, और फिर अगर बाहर महाराष्ट्र में भेजते हैं तो 600 से 800 रुपया होता है, महाराष्ट्र गुजरात बोलो। ओके, ये सब इतना रेट्स है, और फिर बाकी अगर भेज रहे तो फिर 1000, 1200 हैदराबाद भेज रहे, बैंगलोर भेज रहे 1000, 1200,
और अगर किसी को जम्मू तक चाहिए तो वो फ्लाइट से जाएगा, तो वो फ्लाइट चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, वो वेट के हिसाब से होता है। ओके, और जो नंबर है आपका जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इट्स योर कॉलिंग नंबर एज़ कॉलिंग नंबर एज़ वेल नाउ कॉलिंग एंड व्हाट्सएप, पहले नहीं था वो कॉलिंग नंबर, लेकिन अभी वापस उसको कॉलिंग चालू की है। ठीक है, चलिए नंबर बताओ। नंबर वही है ना जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए ज़ुल भाई को। ठीक है, और डिटेल में मैसेज करोगे तो हाय हेलो ना कीजिए, डिटेल में मैसेज कीजिए कौन हो, कहाँ से और क्या चाहिए, पूरा डिटेल मैसेज भेजो। कितने रुपए की जोड़ी है ये? 3500। थैंक यू सो मच भाई।